अरे भाई भाई एसबीएन भाई यहाँ पे गिर गए। अरे भाई 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 भाई। सो गाइस फर्स्ट लुक दे देते यहाँ पर, ये देखो समुंदर। इस रात को यहाँ पर आके पहुंचे थे 3:30 बजे और उसके बाद जो है थोड़ा सा पावर नैप ले लिया, अभी 5:30 बज रहा है। सो गाइस आज का व्लॉग का स्टार्ट होता है दीघा पहुंचने से 100 किलोमीटर पहले। एंड गाइस ही इज अमन फ्रॉम कोलकाता, तो भाई भी आज हम लोग के साथ राइड करने वाले हैं। एंड भाई मेरे लिए जुगाड़ कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आरन भाई V4 चलाएंगे हम इसी बीच में, और यहाँ पर ये माउंट लगा दिया जो अच्छा सा व्यू आएगा यहाँ से। और अभी फिलहाल हम लोग है क्या अंदामान, क्या नाम है जगह का, कोला, फिलहाल अभी हम लोग है गाइस कोलाघाट। ये कोलाघाट ना बार बार मेरे से कोलापुरी निकल रहा था, तो कोलाघाट पे है हम लोग। और अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं। कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से दीघा? 3 घंटा लग जाएगा, 3.5 घंटा लग जाएगा ना। चलो फिर यहाँ से फटाफट से यहाँ से अभी निकलते। पंकज भाई कल रेडी हो? एकदम। पंकज भाई कहाँ से है? राजदीप भाई। राजदीप भाई? हाँ राजदीप भाई मैं हूँ। अभिषेक भाई? अभिषेक भाई सामने गोप्रो लगाए ना, आपको इससे बहुत अच्छा अच्छा शॉट्स भी देखने को मिलेगा। सो गाइस हम लोग अभी यहाँ से निकल, भाई भाई ऐसे घुसना पड़ेगा। हाँ मैंने यहाँ पर गूगल मैप लगा लिया गाइस, एकदम गूगल मैप देख देख के जाएंगे। और अभी जो है ना भाई के साथ कोलकाता भी एक्सप्लोर करना बाकी है, ठीक है। दीघा से जाएंगे कोलकाता, तो फुल मेन तो भाई कोलकाता में होगा, वहां पर तो बस नहाने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली जो है निकल चुके हैं। ओहो अमन भाई ड्यूक लेके निकल चुके हैं। और गाइस यहाँ से जो है ना दीघा पहुंचने में हमें लग जाएगा कम से कम 3 घंटा, और आज फुल ऑन एक्सप्लोर होगा दीघा में। और आई होप जो है एग्जॉस्ट के लिए हमें ना पकड़ा जाए। तो यहाँ से लेके दीघा का रोड जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रोड है। और कल रात को जब हम लोग आके पहुंचे थे ना, तो मैं इतना नींद में था, मैंने सोचा कि चलो 1-2 घंटे का एक पावर नैप ले ही लेते ताकि सुबह को जो है आराम से एकदम बिंदास राइड कर पाए। इसको मैं थोड़ा अगर खोल दूंगा ना तो आपको एग्जॉस्ट का साउंड और ज्यादा लाउड करके सुनाई देगा। और यहाँ से 2 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है यहाँ से लेके दीघा तक। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. काश ऐसे रोड जो है गुवाहाटी से लेके यहाँ तक होता। वेस्ट बंगाल का रोड जो है ना भाई बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब यहाँ पर सुपर बाइक से लेके आप लोग आराम से चला सकते हो। ओ भाई मजा आ गया भाई। अमन भाई को देखो वो तो पीछे से उड़ रहे हैं, शर्ट कैसा उड़ रहा है देखो उनका। अपने एसबीएन भाई आ गए, सो गए थे, हमको तो लगा बाइक साइड में लगा है पावर नैप ले रहे हैं। यहाँ से शॉट्स कैसा आया यहाँ से? अरे भाई 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 क्या यार, लीवर ठीक है, नीचे का भी लीवर ठीक है, उसमें लगते स्टैंड नहीं लगा था इसीलिए। गोप्रो को कुछ नहीं हुआ, मेरे को लगा ये शायद माउंट टूट जाएगा। ये रखो इसको इधर रखो, अपने पास रखो। खरा खरा क्या हो गया गाइस, टूट गया ये। चलो कोई नहीं, कोलकाता में जा करके फिर से लगवा लेंगे। ये मिल जाएगा ना कोलकाता में? कौन सा? हाँ हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका लगता है हाफ स्टैंड लगा था इसीलिए ना वो पूरा गिर गया इसके ऊपर। सो गाइस मैंने अपना बाइक फिर से ले लिया,
मतलब जो भी कहो वो चलाने में मजा तो आता है, लेकिन जो है ऐसे करके उसमें लॉन्ग राइड करना मेरे लिए अभी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज इसमें मेरा आदत बढ़ चुका है। सो गाइस यहां से 77 किलोमीटर दूर है यहां से दीघा, और गाइस यहां के रोड्स इतने चौड़े चौड़े है ना भाई, चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहां पर रोड में। ओहो NS200 V3 और इधर मास्टर जी अभी साथ में नहीं है, मास्टर जी शायद पीछे तेल वेल भरा रहे। और जैसे कि पता है गाइस आप लोग को, दीघा जो है दीघा एक इंडिया का लास्ट पार्ट बोल सकते हो आप लोग, एकदम एंड पार्ट है। तो वहां तक ही हम लोग जा रहे हैं आज, और कल सुबह को हम लोग निकल जाएंगे कोलकाता के लिए, और कोलकाता में कुछ कुछ एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे शॉपिंग भी करना है कुछ कुछ, वो भी करेंगे। अरे भाई भाई SBN भाई यहाँ पे गिर गए। कैसे गिर गए? फिर से स्टैंड। एक मिनट, बहुत भारी है ये पीछे करते। एक मिनट, ये टूटा हुआ था या अभी टूटा? नहीं ये पहले से टूटा हुआ। चलिए ठीक है, हमको लगता है आप अभी भी नींद में ही हो, ये आपका दो बार हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए रोका है ताकि यहाँ पर थोड़ा बैठ के पाउंड मिनट ले ले। क्या झूला क्या आ रहा था आज बंद है तो खोल के देखिए बाइक यहाँ पर गिरा। सो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट दीघा आके पहुंच चुके हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है, और पीछे जो है मंदरमनी बीच जो है वो हम लोग छोड़ के आए। हम लोग दीघा में जाएंगे, वहाँ पे पहले होटल लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग मंदरमनी बीच तक आएंगे। रात को जो है दीघा में नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे और दीघा में घूमेंगे। भाई भाई ये दोनों तरफ पेड़ देखो ना कितना बढ़िया लग रहा है, और सुनने में है कि क्या बोला तूने, मंदरमनी जो बीच जो है ना वो सबसे क्लीन बीच है। सो गाइस जस्ट मेरे लेफ्ट में जो है समुंदर मुझे दिखा, एंड अभी पहले सबसे पहले होटल ले लेते। भाई समुंदर को देख के जो मैं खुश हुआ ना, अभी पता नहीं ये लोग मुझे छोड़ के कहाँ निकल गए। भाई भाई यार लाइफ में फर्स्ट टाइम समुंदर देखा ब्रो। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की तरफ, हम लोगों ने होटल वगैरह भी ले लिया। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे बीच की ओर, और लाइफ में फर्स्ट टाइम समुंदर में जाने वाले हैं। एंड पहले तो मुझे एक टी शर्ट खरीदना है, बिकॉज ये टी शर्ट ना लास्ट 3 दिन से पहन रहा हूँ। टी शर्ट एक खरीदते हैं, उसके बाद एक क्रॉक्स भी खरीदते हैं। चलो चलो चलो। ओहो सनग्लास लगा है लोरा पर एकदम मेरी जेंग में। की बोलो भाई की बोलो। मैं कैसे सनग्लास लागिए छेले पर जेंग हुए अच्छे एटा बोले छे। फिलहाल तो बाइक्स वगैरह हम लोग का यहाँ पर ही पार्क है, बाद में इनको अंदर कर देंगे। फिलहाल हम लोग पैदल जाएंगे अभी फिलहाल। तो गाइस अभी हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, फिलहाल अभी थोड़ा हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग अभी बीच में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा आगे तक। अभी एंटर करेंगे बीच के अंदर, यहाँ से शॉर्टकट है। फुल ऑन एक्साइटेड गाइस, अभी फाइनली एंटर कर रहे हैं। खाना दाना पानी अंदर नहीं गया ना, तो उसकी वजह से थोड़ा एनर्जी लो है, और कल बहुत कम भी सोए थे, तो अभी फिलहाल अंदर चलते। तो गाइस यहाँ पर बस एक ही बीच नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं, मतलब आप बीच में से है ना पैदल जाके बहुत दूर तक जा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, और फिलहाल जो अभी पहले कुछ खाएंगे यार, बहुत ज़्यादा भूख भी लगा है। सो गाइस फर्स्ट लुक दे देते यहाँ पर, ये देखो समुंदर। वाह अभी सामने तक भी जाएंगे हम लोग, नीचे तक जाएंगे, और हवा से ना थोड़ा बात कम सुनाई देगा। और गाइस यहाँ पर क्राउड देखो ना यार, कितना ज्यादा यहाँ पर क्राउड है भाई साहब, कितने सारे लोग देखो ना यहाँ पर। सो गाइस इधर हम लोग ने लिया इधर ऑमलेट, अच्छा ब्रेड टोस्ट, तो अभी इसको खाते हैं और चलते हैं बीच में। क्यों भाई लोग तो खा भी लिए, खत्म तो खाना को एंजॉय कर रहे हो। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी बीच की ओर जा रहे हैं, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, जा रहे हैं नीचे तक। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से सूरज आ रहा है, यहाँ से ना काला आ रहा है पूरा।
एसबीएन भाई लोग उधर पे पागल हो चुका है, एसबीएन भाई और अमन भाई उधर पे। It was not easy from the start. Okay, तो गाइस यार अभी इधर पे खाने वाले क्या खाने वाले? आइसक्रीम। कौन आइसक्रीम? ओ तत्त्व जी, ये क्या कर लिया आपने? तत्त्व जी ने पूरा मिट्टी से जो है अपना वो भर लिया एकदम पूरा। ओके, ये वाला आइसक्रीम 10 रुपए। चलो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो आइसक्रीम खा दे पर। चल चल चल। तो ये रहा बोर्ड, ये आ चुका है, इसमें जो है इसमें जाएंगे हम। तो फिलहाल अभी जाने वाला है यहाँ से, तो इसको ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा एकदम। तो यार ये चीज करके बहुत ज्यादा मजा आया। अभी जो है ये वापस करते और ऊपर तक चलते कुछ खाने के लिए, ठीक है? और इधर घोड़ा वगैरह बहुत सारे कुछ है, तो यहाँ से चढ़ के जो है फिर से वापस ऊपर जाना पड़ेगा। बस फिलहाल जो है ना हम लोग थोड़ा सा निकले मार्केट की तरफ, कुछ कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे, सी फूड खाएंगे। सो गाइस यहाँ पर देखो समुन्द्र के पास मछली भी मिल रहा है इधर, देखो। ओ भाई देखो ना, हर तरफ मछली। और यहाँ पर और भी केकड़ा है देखो यहाँ पर भाई। हम लोग उधर मछली पकड़ पकड़ के लोग खाते, खरीद खरीद के खाते। यहाँ पर तो ऐसे ही मछली पड़े सारा जो है समुंदर से आ रहा है गाइस। वो समुंदर यहाँ पर है लेकिन दिख नहीं रहा है। ये देखो पानी आ गया। देखो यहाँ पर है केकड़ा बड़े बड़े भी। ये सब समुंदर के है क्या? हाँ समुंदर के। क्या सी फूड है गाइस यहाँ पर? और समुंदर देखो बिल्कुल सामने यहाँ पर, दिखाई भी नहीं देगा भाई। इतना तेज हवा चल रहा है ना इधर, मेरा बात भी आप लोग सुन पा रहे हो क्योंकि नहीं पता नहीं, पूरा बहुत जोर जोर से हवा चल रहा है इधर। हम सी फूड ट्राई करने के लिए आए थे और ये जो मछली देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा मछली है, ठीक है? अभी इसको फ्राई करके देंगे और ये सब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये सबको भी फ्राई करके देंगे। जो मछली हम लोगों ने चूज किया था ना, वो यहाँ पे अभी फ्राई करके हम लोग को देंगे एकदम। और यहाँ पर आंटी बना रहे, और यहाँ पर और बाकी है ब्रो, यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर और बाकी है। दीघा मार्केट, और काफी बड़ा मार्केट है ये, तो यहाँ से देखते हैं क्या कुछ मिलता है।